सर्दियों में फ्लू, इन्फेक्शन, खांसी और जुकाम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अपनी बॉडी को गर्म रखना एक चुनौती से कम नहीं होता। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरते तापमान के कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई है। आइए आपको बताती हूँ मैं आज इन चीज़ों के बारे में जिन्हें खाने से आपके शरीर पूरा दिन गर्म रहेगा। सर्दी में ज़रूर खाइए ये 10 चीज़ें, ठंड और बीमारी दोनों से राहत पाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आमला यानी कि गूजबेरीज, विटामिन सी से युक्त आमला लीवर, डाइजेशन, स्किन, बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एसिडिटी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। आमला सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत ही कारगर है, तो आज से ही अपने डाइट में शामिल करें आमला। शहद यानी कि हनी, मौसम बदलने के साथ ही सबको खांसी जुकाम तो एक बार हो ही जाता है। सर्दियों में खांसी जुकाम में आराम दिलाने के लिए शहद काफी लाभदायक है। ये आपके शरीर को गर्म रखता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर करता है, तो डाइट में शामिल करें हनी। बादाम यानी कि आलमंड, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त बादाम सर्दियों के लिए एक बेहतरीन डाइट है। दूध के साथ बादाम या शहद के साथ बादाम खाने से आपके शरीर में गर्माहट आएगी, बढ़ती ठंड से ये आपको बचाएगा। आप इसके चिक्की या लड्डू भी खा सकते हैं। डिलीशियस बादाम को शामिल करें आपके डाइट में इस सर्दी। संतरा यानी कि ऑरेंज, संतरे में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सर्दियों में धूप के कारण हमारी त्वचा जो काफी नुकसान होता है उसकी भरपाई संतरा खाने से पूरी हो जाती है। यह खाने से आपको जुकाम और सर्दी खांसी भी नहीं होती क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। कैलोरी को भी ये कंट्रोल करता है और आपके शरीर को गर्माहट देता है। अदरक यानी कि जिंजर, औषधीय गुणों से भरपूर है ये अदरक। शरीर को फायदा पहुंचाने वाले कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं इसमें। बुखार, एसिडिटी, जुकाम, गले में दर्द, गले में खराश, खराब डाइजेशन में भी अदरक वाली चाय पीने से आपको काफी फायदा मिलता है। ये आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, तो जरूर शामिल कीजिए अदरक आपकी डाइट में। घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर, मौजूदा जनरेशन की डाइट में घी दूर दूर तक नजर नहीं आता। शायद आजकल की पीढ़ी इसके फायदे के बारे में नहीं जानती, पर रोजाना नियमित रूप से घी को अपने डाइट में शामिल करने से, उसे खाने से, उसका सेवन करने से शरीर को सर्दियों में बड़ा फायदा होता है। आपकी हड्डियों में भी जो कटकट की आवाज आती है उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि वो आपके बॉडी को ग्रीस करता है, तो घी शामिल कीजिए आपके डाइट में। अंडा यानी कि एग्स, अंडे को प्रोटीन का राजा यूं ही नहीं कहा जाता, एनर्जी का पावर हाउस है ये अंडा। भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है इसमें। सर्दियों में आपके शरीर का तापमान संतुलित रखने में ये बहुत ही मददगार साबित हुआ है, तो डाइट में जरूर शामिल करें अंडा। लहसुन यानी कि गार्लिक, सर्दियों में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफी धीमा हो जाता है, उसे बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। लहसुन का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होता है, मेंटेन रहता है, और अगर सर्दियों में आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसे बीमारियां होती है उसे भी ये बीट करता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो डाइट में शामिल करें लहसुन। तुलसी यानी कि बेजल लिव, ये एक औषधीय गुणों से भरपूर है ये पौधा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और आयरन पाया जाता है। तुलसी सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन से आपकी सुरक्षा करेगा। ये सुबह शाम इसे ऐसे ही चबा के खाए 4-5 पत्ते या तुलसी वाली चाय पिए। सर्दियों में जो रोग होते हैं सर्दी खांसी, ये आपके पास भी नहीं आएंगे, तो आज से ही खाना शुरू करें तुलसी के पत्ते। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, गरम तासीर वाली काली मिर्च का उपयोग हर घर में होता है। ये हमारे किचन में आसानी से मिल ही जाता है। खाने में इसका इस्तेमाल ना सिर्फ जायके को बढ़ाता है बल्कि शरीर को भी ये गर्म रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको सर्दियों से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है इसे खाने से उन सब में बहुत राहत मिलती है, तो इसे भी इंक्लूड कीजिए आपके खाने में।
तो फ्रेंड्स सर्दियों में ज़रूर खाइए ये 10 चीज़ें, ठंड और बीमारी दोनों से राहत पाइए। और मुझे कमेंट करके बताएं कैसे लगा आपको ये वीडियो। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे ब्यूटी एंड ब्रेन्स चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय।